भूतिया हॉस्पिटल। किसी शहर में हॉस्पिटल हुआ करता था, असल में यह भूतिया हॉस्पिटल था। वहाँ के डॉक्टर और नर्सें सभी भूत थे। वह हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट के इलाज के बहाने उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते और उनका दिल निकाल कर खा जाते। आपने इन्हें हॉस्पिटल लाकर बहुत अच्छा किया, अब आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब इनका अच्छे से इलाज करेंगे। यह कहकर डॉक्टर उसे अंदर ले गया, लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर वापस आया और बोला, माफ करना, जिस आदमी को आप लाए थे वो नहीं बच सका। लेकिन उसको तो बस पैर पर चोट आई थी, पैर पर चोट लगने से कैसे कोई मर सकता है? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। डॉक्टर के कहने पर वो दोनों वापस चले गए और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चला गया। डॉक्टर साहब, मैंने उन आदमियों को भेज दिया है, अब हम आराम से इस आदमी को खा सकते हैं। बस ऐसे ही लोग हमारे पास इलाज के लिए आते रहे और हम उनका दिल खाकर रोज पार्टी करते रहे। बहुत महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन मोहित नाम का लड़का अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेके आया। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी के सीने में दर्द हो रहा है, आप जल्दी से इनका इलाज कर दीजिए। लगता है इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? लेकिन इनके सीने में तो मामूली सा दर्द है। सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाकर इनका इलाज करता हूँ। डॉक्टर मोहित के पापा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आते हैं और मोहित से बोलते हैं, माफ कीजिएगा, हम आपके पिताजी को नहीं बचा सके। क्या? लेकिन उन्हें तो मामूली सा दर्द था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। मोहित अपने पिताजी की लाश लेकर घर आ जाता है और डॉक्टर की बात उसे थोड़ी अजीब लगती है। दाल में जरूर कुछ काला है, मेरे पिताजी ऐसे नहीं मर सकते, मैं इस रहस्य का पता लगा कर ही रहूंगा। यह सोचकर अगले दिन वो ऑपरेशन थिएटर में चले जाता है और छुपकर देखता है। अब देखता हूँ ये डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट को लेकर आते हैं। चलो इसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर यह कहकर सभी भूत बन जाते हैं। ये सब तो भूत है। चलो जल्दी से इसका दिल निकालते हैं। मजा आ गया। मुझे इंसानों का दिल बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा हनी भी खिलाइए डॉक्टर साहब। लो तुम भी खाओ और तुम भी लो। भूतों को इंसानी दिल खाते हुए देख मोहित को उल्टी आ गई और भूतों ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ गलती से आ गया, मुझे जाने दो। ठीक है चले जाओ, बस अपना दिल हमें दे जाओ। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं एक दिल के बदले कल तुम्हें दो दिल ला कर दूंगा। क्या, दो दिल? हाँ, मैं कल दो इंसानों को तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। एक के बदले दो? ठीक है, लेकिन याद रखना अगर तुम कल नहीं आए तो। नहीं नहीं, मैं कल जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर मोहित भूतिया हॉस्पिटल से अपनी जान बचाकर भाग गया। आज तो बच गया, लेकिन कल इन भूतों के लिए मैं दो आदमी कहाँ से लाऊंगा? यह सोचता हुआ वो अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी उसे दीवार पे लिखा हुआ दिखता है, बंगाली तांत्रिक किसी भी तरह के भूत प्रेत के इलाज के लिए संपर्क करें, एक बार इस तांत्रिक से मिलकर देखता। मोहित तांत्रिक के पास जाता है और अपनी सारी समस्या बता देता है। चिंता मत कर बेटा, तेरी चिंता आज से मेरी हुई, अब देख मैं उन भूतों का क्या करता। तुमने तो कहा था तुम दो इंसान लेकर आओगे, बताओ कहाँ है दो इंसान? जल्दी बताओ, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। जल्दी बताओ, भूख लगी है। दो इंसान नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ताकतवर तांत्रिक लाया हूँ। तो तुम हो वो चारों भूत? तांत्रिक, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। चीटिंग तो तुम लोगों के साथ करते हो, इलाज का बहाना बनाकर उनका दिल खाते हो, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। अंत्र मंत्र तंत्र चारों भूत बोतल में बंद।